बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विंटर्स में स्टफ्ड पराठे किसको पसंद नहीं होते, तो आज हम शेयर करेंगे एक बहुत ही आसान सी पनीर के पराठे की रेसिपी, जिससे आपके पनीर के पराठे बनाने बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो आज हम आपको उसका डो बनाने की जो तरकीब है वो बताएंगे। तो आपके सामने नाज़रीन आटा है ये, और साथ ही हमारे पास देख सकते हैं ये पनीर है जिसे हमने घिस लिया है। ये हरा धनिया है जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च है, और साथ ही ले रखा है हमने अदरक जिसे हमने घिस लिया है। तो ये हमारे पास चार चीजें हैं। अब हम इसे डायरेक्टली आटे में मिलाएंगे इन सब चीजों को। तो इस रेसिपी को नाज़रीन, अगर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आपकी बिजी है और आप चाहते हैं आपका टाइम सेव हो, तो इस तरीके से आप अपने पनीर के पराठे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और बस हमने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो ये हमारा हस्ब ज़ायका इसमें नमक ऐड हो गया है। और अब हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। तो ये हमारा ज़ीरा पाउडर चला गया है इसमें। आप चाहें तो एक पिंच आप गरम मसाला पाउडर की भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको गरम मसाला का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। तो ये हमारा लाल मिर्च चली गई है इसमें। और अब इसका जो मेन कोर इंग्रेडिएंट है हम वो डालेंगे इसमें, यानी हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। तो तकरीबन हम इसमें दो अंडे ऐड कर देंगे। तो आप लोग अगर ये रेसिपी ट्राई करें तो इसमें अंडे डालना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से सब चीज़ों को, और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो ये हमारा रिफाइंड ऑयल चला गया है इसमें। और बस अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेना है। और ध्यान रहे नाज़रीन के इवनली सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए आटे में, ताकि आपका बहुत अच्छा सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा एक डो की फॉर्म में आ चुका है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है नाज़रीन। बस अब हम बना लेंगे इसके बॉल्स। ये देखिए नाज़रीन, हमने इसके बॉल्स बना लिए हैं, पेड़े बना लिए हैं रोटी बेलने के लिए, पराठे बेलने के लिए। और बस आप बना के ऐसे रख दें। अब चाहे आपके घर में हो 5 अदद या फिर हो 10 अदद, तो आप फटाफट पनीर के पराठे झटपट बना सकते हैं। तो नाज़रीन, आपके बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त से पराठे देखा आपने कितनी आसानी से, एक आसान सी रेसिपी से हमने तैयार कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी नाज़रीन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरीके से आप अपनी इस रेसिपी को ट्राई करके अपने फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।